Hello, good morning to all of you, those who are watching my video, students. इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे डिमांड किया कि मैम लाइव प्रोसेसेस आप हम लोगों को वीडियो बना के भेजिए. जैसे आप लोग जान रहे हैं हम बच्चों से मिल नहीं पा रहे. सो दिस इज द वीडियो ऑन डिमांड. आई विल post class 10 videos only on demand because there are so many channels which are providing videos, and if anyone will ask me, I will sure post that video and I will make the video. So students, you all have knowledge about life processes. लाइफ प्रोसेसेस क्या है? वो एक्टिविटीज, वो काम जो हमारे जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. पहले लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा सा जान लें. जैसे कि हम लोग जान रहे हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल आर डिफरेंट इन मेनी वेज. देयर शेप, साइज, स्ट्रक्चर, देयर जीनस, स्पीसीज, क्लास एंड सो ऑन. बट इन इतने डाइवर्सिटी के बावजूद भी हम लोग कुछ ना कुछ समानता रखते हैं. मतलब बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम लोगों में कॉमन है. ये मैंने यहाँ लिखा है पहला लाइन, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे अगर किसी बैक्टीरिया और इंसान दोनों में कोई समानता नहीं है, फिर भी हम दोनों में एक समानता है. बोथ ऑफ देम आर लिविंग एंड देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. इट डजंट मैटर बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक एंड ह्यूमन बींग्स आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल, बट सेल इज प्रेजेंट. तो एक समानता हुई. इसी तरह जितने भी, अब हाथी है और इंसान है, बैक्टीरिया है अर्थवर्म है, पेड़ पौधे जितने भी हैं, सब में कुछ ना कुछ समानता है. ये समानता है कि हम लोग सब लिविंग हैं. ठीक है, लिविंग है तो हमारा बॉडी किससे बना है? हमारा बेसिक जो सिंगुलैरिटी है वो मेन है, वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो भी हो, बट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. सेकेंड है, सेल के स्टडी से हम लोगों को ये चीज़ पता है कि आवर सेल इज मेड अप ऑफ सम केमिकल सब्सटेंसेस. तो बेसिकली हम बोल सकते हैं सेल जो है वो भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग से बना हुआ है, एंड इट इज अ फैक्ट. इस तरह जो भी लाइफ है उनके अंदर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स. लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस आप लोगों ने बहुत बचपन में सिक्स में पढ़ा होगा, तो आप सबको पता है देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज द साइन ऑफ लाइफ. व्हाट आर दीज? फर्स्ट इज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. मीन्स लिविंग थिंग्स किसी भी कारण, अगर उनको जिससे उनको परेशानी हो या जो उन पे असर करे, उसके लिए वो अपना एक आंसर करता है, उनका बॉडी
आंसर करता है, शो करता है. दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मीन्स रीजन है तो उसका आंसर भी बॉडी देता है. ऑल देयर, जिसको हम फीलिंग बोल सकते हैं. तो ऑल दीज आर सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. ऑल द लिविंग थिंग्स दैट द नेम्स द प्रोसेसेस विच आई हैव जस्ट आस्क यू, ऑल दीज आर कंटिन्यूड इन द बॉडी बाय सम एक्टिविटीज और प्रोसेसेस विच टेक इनसाइड आवर बॉडी ऑटोमेटिकली. फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ वी ऑल नो रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन आर एसेंशियल. तो ये जो प्रोसेसेस हैं जिनके द्वारा हम जिंदा रह सकते हैं, जिंदा रहते हैं, अब इसमें से कोई भी एक प्रोसेस अगर गड़बड़ाया तो क्या होगा? वी ऑल नो, अगर किसी का लंग्स खराब हो जाए दैट पर्सन विल नॉट ब्रीथ. तो लंग्स को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस पर्सन का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा. इसी तरह जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं दे ऑल हैव सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स. उन ऑर्गन्स का सही ढंग से काम करना ताकि उस ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन ठीक से हो. एंड डोंट फॉरगेट दैट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस आर इंटररिलेटेड. जो हम खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है, एनर्जी जो खाते हैं उसके एनर्जी निकलने और इस प्रोसेस में मीन्स मेटाबॉलिज्म में अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो हमारा किडनी पे असर हो सकता है, मीन्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा बेकार हो जाएगा. फिर अब जो भी हम खा रहे हैं वो हमारा डाइजेशन के बाद ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा है, इट मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट पे असर होगा. इस तरह हम देखें तो ऑल ऑर्गन सिस्टम्स आर इंटररिलेटेड. एंड बेसिकली फूड जो है वो हमारे बॉडी का सबसे जरूरी सब्सटेंस है फॉर आवर ग्रोथ एंड टू रिमेन हेल्दी. तो ऑब्वियसली जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं या जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं हमारे बॉडी के, वो सब किस पे डिपेंड कर रहा है? अपॉन आवर न्यूट्रिशन. सो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, देर आर मेनी लाइफ प्रोसेसेस बट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूट्रिशन.